हाय गाइस, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल शॉर्ट हैंड। आज का हमारा चैप्टर 9 है, जो लार्ज सर्कल SW एंड SS और SZ है। तो शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने सर्कल SZ पढ़ा था, तो सर्कल हम ऐसे ड्रा करते थे, ठीक है। तो ये सर्कल है, अब हमने बिग सर्कल ड्रा करनी है, सेम उसी मोशन में जैसे सर्कल ड्रा करते हैं। तो इसको SW कहते हैं स्टार्ट में, ठीक है। तो स्ट्रेट स्ट्रोक को ये लेफ्ट मोशन में बड़ी सर्कल लगेगी, और कर्व स्ट्रोक को इनसाइड कर्व बड़ी सर्कल लगेगी। यही रूल था सर्कल S का, जैसे सर्कल S स्ट्रेट स्ट्रोक को लेफ्ट मोशन में लगती थी और कर्व स्ट्रोक को इनसाइड कर्व लगती थी, ठीक है। शुरू करते हैं। जैसे वर्ड लिखना है सीट, S लेफ्ट मोशन में, T लाइन काटेगी, वी का वॉबल। इसी तरह से स्वीट लिखना है, अब बड़ा सर्कल SW का, स्व ई टू स्वीट, इस तरह से लिखा जाएगा। अब वर्ड सम है, हमें पता है सर्कल कर्व स्ट्रोक को इनसाइड कर्व लगती है, स अम सम ऐसे। और वर्ड है स्वम, ये स्व की बड़ी सर्कल, स्व अम स्वम बन गया, ठीक है। उसके आगे हमने ये समझना है कि वर्ड स्वे है या स्वेसिव है, इनको बिग सर्कल से नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर स्वे, ये स्व की बड़ी सर्कल आ गई और मे का वावल सर्कल को नहीं लगता है, स्ट्रोक को लगता है, इसलिए स्वे हम ऐसे लिखेंगे, स व ए स्वे। सेम इसी रूल से स्वेसिव भी हम ऐसे लिखेंगे, स्वे सिव स्वेसिव। तो हमने क्या पढ़ा, ये जो द SW सर्कल इज़ यूज इन स्टार्ट, तो बड़ा सर्कल शुरू में जब हम इस्तेमाल करते हैं उसे स्व पढ़ते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। यही बड़ा सर्कल अगर मिडल में या लास्ट में यूज़ होगा तो इसे स्व नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, SZ का कम्बिनेशन। SZ का कम्बिनेशन मतलब सस पढ़ सकते हैं, सज पढ़ सकते हैं, जस पढ़ सकते हैं या जज पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, मिडल में वर्ड है हमारे पास नेसेसिटी, इसमें सेस आ रहा है मिडल में, तो इसको ऐसे लिखेंगे, न बड़ा सर्कल सेस ई ट ई नेसेसिटी बन गया। इसी तरह से वर्ड है पासस, प आ बड़ा सर्कल सस पासस बन गया। वर्ड है पोजेसिव, प ओ जेस ई व पोजेसिव। वर्ड है काजज, क आ जज काजज। तो ये हमने मिडल में भी बड़ा सर्कल इस्तेमाल किया, लास्ट में भी किया। तो मिडल में और लास्ट में बड़े सर्कल को SZ का कम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब इस बड़े सर्कल में अगर थर्ड प्लेस वॉवल आ जाता है, जब कोई भी वॉवल आ जाता है पेन के वॉवल को छोड़ के, पेन के वॉवल को एक्सेप्ट छोड़ के कोई भी वावल आता है, तो उसको बिग सर्कल में शो करना है। जैसे वर्ड है एग्जिस्ट, इसमें क्या क्या आ रहा है, ज और सो जस आ रहा है, बीच में आ रहा है इज का वावल, तो इसको ऐसे लिखना है एग 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 ज ई स ट एग्जिस्ट। तो हमने इज का वावल शो किया। यहाँ पे वर्ड है एग्जॉस्ट, ज और एस के बीच में आल का वावल आ रहा है, एग्जॉस्ट आ, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए ग ज आ स ट एग्जॉस्ट। पहला वावल सेकंड प्लेस था, इसलिए स्ट्रोक्स लाइन को टच की। वर्ड है हमारे पास एक्सरसाइज, तो स और ज के बीच में आई का डिप्थोंग आ रहा है, इसको ऐसे लिखेंगे एग्जर स आई ज एक्सरसाइज, ए ग जर स आईज एक्सरसाइज। अब वर्ड है हमारे पास एक्सरसाइज्ड, पूरी स्ट्रोक यही रहेगी, इसको डी लग जाएगा लास्ट में, एक्सरसाइज्ड, ठीक है। और हमारे पास वर्ड है लास्ट में एक्सरसाइजेस, एक और सर्कल इस बड़े सर्कल को जब हम ऐड करते हैं वो कैसे होगी, ये एक्सरसाइज और यहाँ से एक और सर्कल हमने निकाल लेना है, तो एक्सरसाइजेस ऐसे बनेगा। उसके बाद मिस स्पेल वर्ड जब है, मिस का एस और स्पेल का एस दोनों मिलके सस बना, तो उसको बड़े सर्कल से लिखेंगे
मिस पहले इस तरह से लिखिए म ई स स प एल मिस पहले ऐसे बना। तो नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं, प्लूरल और पोजेसिव्स बनाने हैं वो हमने बर्ड के। तो जब प्लूरल और पोजेसिव बनाएंगे तो बड़े सर्कल की आवाज़ आ रही है। तो लूसी पॉलिसी जेलसी वर्ड है हमारे पास, इनमें आप ध्यान से देखो लूसी पॉलिसी और जेलसी में लास्ट में वावल आ रहा है एस या जेड से पहले, जैसे लूसी स ई वावल आया, पॉलिसी इसका वावल आया, जेलसी इसका वावल आया। और जब लास्ट में वावल आता है तो उससे पहले हमें स्ट्रोक शो करनी पड़ती है, जैसे हमने एस की स्ट्रोक शो की। तो अब हमने पोजेसिव बनाना है, जैसे लूसीज सज सज आया, बिग सर्कल आया, तो उस केस में हम बिग सर्कल नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रोक रिटेन की है। तो हम लूसीज कैसे लिखेंगे, इस तरह से ल उ स ई ज छोटा सर्कल साथ में ऐड कर देंगे तो लूसीज बन गया। सेम पॉलिसीज भी ऐसे ही, यहाँ तक पॉलिसी है और ये सर्कल लग गया, पॉलिसीज बन गया। जेलसी में भी ये पूरी स्ट्रोक इतनी रहेगी, साथ में सर्कल एक ऐड कर देंगे, जै ल सीज जेलसीज हो गया। तो ये हमने इस तरह से वर्ड्स के प्लूरल और पोजेसिव्स बनाए, इनमें बिग सर्कल नहीं लगेगी क्योंकि जो इनका नॉर्मल वर्ड था उनमें एस की स्ट्रोक थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अ फ्यू वर्ड्स एंडिंग इन सस आर रिटन विद द सर्कल एंड स्ट्रोक और द स्ट्रोक एंड सर्कल इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर वर्ड्स कंटेनिंग सिमिलर कंसोनेंट्स एंड इन विच लार्ज सर्कल इज एम्प्लॉयड। तो ये रूल क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखिए हमारे पास एक वर्ड है पॉजेस पॉजेस, एक्सेस एक्सेस, रेसेस रेसेस, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों में सस या सज आ रहा है, ठीक है, बिग सर्कल आ रहा है। तो हमने दो वर्ड्स को ताकि इनमें पढ़ने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, जिसके लास्ट में एक ऐसा आएगा ना स्पेलिंग में, उसकी सर्कल बड़ी कर देनी है, जैसे रेसस रेसस रेसस, एक्सस एक सिस एक्सस, प आ सिस पासस। तो जिनके स्पेलिंग में लास्ट में ऐसा आ रहा है उनका सर्कल बड़ा कर देंगे और दूसरे वर्ड को सर्कल स्ट्रोक सर्कल स्ट्रोक या स्ट्रोक सर्कल से लिखेंगे इस रूल के अकॉर्डिंगली। तो पोजेस ऐसे लिखना है प ओ ज एस पोजेस, एक्सेस ऐसे लिखना है एक स एस एस एक्सेस, रेसेस ऐसे लिखना है रे र ए रे स एस रेसेस, ठीक है, ताकि दोनों वर्ड्स की अलग अलग आउटलाइन हमें मिल पाए। तो नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं, लार्ज सर्कल इन फ्रेजोग्राफी। तो शुरू में बड़े सर्कल को हमने एस डब्ल्यू पढ़ा था, फ्रेजेस फ्रेजेस में इसको एज वी पढ़ना है, जैसे हमारे पास वर्ड है एज वी हैव, देखो हैव को हम लिखते हैं ऐसे ऐसे लिखते हैं हैव को, एज वी हैव बड़े सर्कल के साथ हैव जब लिखेंगे ऐसे एज वी हैव। देखो कैन कैन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जब एज वी कैन लिखना है तो एज वी का सर्कल कैन को लगा देना, ये हो गया एज वी कैन। इस तरह से एज वेल एज इस तरह से लिखा जाएगा एज वेल एज, एज व ल एज एज वेल एज, इन दिस सिटी दिस इन ऐसे ही रहेगा, दिस का सर्कल छोटा और सिटी का सर्कल मिलके बड़ा सर्कल बन गया, तो इन दिस सिटी इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद दिस इज़ कैसे लिखना है, ये दिस होता है ये इज होता है, तो दिस इज़ का ये दोनों का सर्कल मिलके बड़ा सर्कल बन गया। एज इज़ या और एज हैज़ हमने कैसे लिखना है, हवा में बड़ा सर्कल को हम क्या पढ़ा करेंगे एज इज़ या एज हैज़। और अगर हम बड़ा सर्कल लाइन पे लिखेंगे उसे हमने पढ़ना है इज़ एज या इज़ हीज़, ठीक है। तो ये था हमारा रूल पार्ट, अब हम आगे एक्सरसाइज 31 रीड करते हैं। वर्ड्स हैं जो ठीक है, स्व ई प स्वीप, स्व ई ट स्वीट, थोड़ा दूर हो गया पास कर लेते हैं,
सवो ई ड स्वीड, सवो ई च स्विच, सवो ई व लस्वीवल, सवो ई स स्विस, सवो ई श स्विस। नेक्स्ट लाइन, बो ए सस बेसस, बो ए स इस, बो ए स इस बेसिस, ड ओ जस डोजस, च ए जस चेजस, क ए सस केसस, ग ए सस गैसस, फ दिख रहा है, फ ए सस फेसस। थर्ड लाइन पे मूव करते हैं, प ओ जस पोजस, सप ओ जस पोजस, ड ए प ओ जस डेपोजस, म ई क सस मिक्सस, न ओ जस नोजस, ल ए सस लेसस। नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं, न ई जस नीसस, न ए सस ए र ई नेसेसरी, स अ क सस सक्सेस, स अ क सस फ उ ल फुल सक्सेसफुल, ए क स अ र एक्सर, स आई ज एक्सरसाइज, और ये वर्ड है एक्सरसाइज्ड, डी लगा स्ट्रोक, बाकी पूरा वर्ड यही है। ए क सस ई व एक्सेसिव। फिफ्थ लाइन, एम फ ए स आई ज एम्फेसाइज्ड, ये वर्ड क्या है एम्फेसाइज, एम फ ए साइज्ड एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइजिंग, स ए न सस सेंसस, एन ए न स ई सर्ट इंसिस्ट, पैरा न थिसिस पैरेंथेसिस, सिन ऑपसिस सिनॉप्सिस, प ओ ल ई स ई पॉलिसी, प ओ ल ई स इज पॉलिसीज, ज ए ल अ स ई जेलसी, ज ए ल अ स इज जेलसीज, म ए र स ई मर्सी, म ए र स इज मर्सीज, ल ए ग ए स ई लेगसी, ल ए ग ए स इज लेगसीज। नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं, प ओ ज ए सपोजेस, प ओ ज एस एस पोजेसस, र एस एस रेसस, र एस 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 रेसेसस, एब स एस एब्सेस, एब स एस एस एब्सेसस, एक स एस एस एक्सेस। 32 एक्सरसाइज पे आते हैं, वर्ड्स जिसमें शॉर्ट हैंड में वर्ड्स लिखने हैं हमने, तो शुरू करते हैं इसे। स्वीटली, ये आ गया सवी ई ट ल ई स्वीटली, स्वीटनेस स्वीटनेस स्वीटनेस, स्विग स्व ई ग स्विग, स्वेन स्व ए न स्वेन, स्विंग स्व इंग स्विंग, स्विमर स्व ई म र स्विमर, एंटाइसस एंटाइसस, ये लाइन है, reduces reduces, revises revises, ounces ounces ounces, minces minces minces, laces l a ses laces, roses roses roses, peruses peruses peruses, terraces ter रे सस टेरेसेस। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, असेंसस एस एनसस असेंसस, फेंसस फेनसस फेंसस, रोमांसस रोमांसस रोमांसस, डेजस डेजस डेजस, डेसाइसिव डेसाइसिव डेसाइसिव, रेसेस रे सस रेसस, रेसिस्ट रेसिस्ट रेसिस्ट, मिसस म ई सस मिसस, मिसिसिपी मिसिसिपी म ई सिस ई प ई मिसिसिपी,
फैलेसी, फैलोसी, फैलेसी, फैलेसोजी, फैलेसीज, मोरेसी, मोरेसी, मोरेसीज, मोरेसीज, क्यूरेसी, क्यूरेसी, क्यूरेसीज, क्यूरेसीज, थीसस, 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 एम्फेसिस, एम्फेसिस, पैरालाइजेस, पैरालाइजेस, जेनेसिस, जेनेसिस, नेमसिस, नेमसिस, एक्सिस, एक्सिस। ग्राम लॉ कर लेते हैं। इनोरैनी कैसे लिखते हैं? एन को हवा में। आउन कैसे लिखते हैं? एन को लाइन को नीचे टच करना है, आउन। योर कैसे होगा? और लाइन को टच करेगा, योर, यही और लाइन को काटेगा, यर। रे टच करेगा और, रे लाइन को कट करेगा, आवर, आवर, यही आवर को एस एस लगाएंगे, आवर सेल्वस, और देम को एस एस लगाएंगे, देम सेल्वस। तो गाइज ये ग्राम लॉक्स थे। एक्सरसाइज 33 रीड कर लेते हैं। आई विश यू टू राइट टू मी एज टू द डिस्पोजल ऑफ दोज केसेस ऑफ योर्स विच आई हैव हैड लाइंग इन दीज ऑफिसेस फॉर अ ईयर नाउ स्टॉप यू हैव हैड सक्सेसिव नोटिसेस asking you to remove them, comma, but to no purpose, stop. The cases themselves are ugly, comma, and they can scarcely be so sad to be sweet smelling, stop. Besides this, comma, the space in these offices is too small for my business, comma, and I have no room to spare for these just packages, stop. This is an unnecessary annoyance and I insist on your taking the cases away by the 10th of July at the outside, stop. तो गाइज ये एक्सरसाइज 33 थी। एक्सरसाइज 34 करते हैं जिसे हमने शॉर्ट हैंड में लिखना है। दो इनवॉइसेस एंड बिल्स ऑफ इंक्लूडिंग फॉर द बैलेंसेस and leases are ready for dispatch, comma, and the cases themselves are to leave by the Swiss belly sailing, so a lowing sailing on Wednesday, stop the
एंड वाइसेस शुड बी विद आवर कस्टमर्स बाय द 10th ऑफ मार्च कामा एंड दे विल डू ऑल दे कैन टू मेक अ सक्सेस ऑफ द डील स्टॉप दे नो द बिजनेस थारोली कामा एंड यू मे सेफली लीव इट टू देम स्टॉप इट इज स्केयर्सली नेसेसरी टू एम्फसाइज साइज व्हाट दे देमसेल्व्स नो ऑलरेडी स्टॉप। तो गाइज ये हमारा चैप्टर था लार्ज सर्कल SWSS एंड SZ। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी नाइसली। थैंक यू।